डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, 10th क्लास में जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें एक्सरसाइज 12.3 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम लोग 12.3 बोल रहे हैं। इसमें से दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके बगल में बुक्स है, आप क्वेश्चन को सीधा देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, कौन से फिगर है, इस फिगर में क्या क्या कहा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। एक वृत्ताकार मेजपोस, देखिए यही मेजपोस है, फिगर 12.24 लिखा हुआ है। तो इस फिगर में हुआ वृत्ताकार मेजपोस दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया हुआ है। जी हाँ, ABC ये समझना है कौन सा त्रिभुज है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया, देख रहे हैं AB से लेकर इधर वाला ये सब डिजाइन बनाया हुआ है। जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए। जी हाँ, आप इसको बढ़िया से समझिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त बना दीजिएगा, इसके अंदर में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज। इधर बाकी सभी डिजाइन बनाया हुआ है, ये क्या है, डिजाइन है, ठीक है। ये सभी क्या है, डिजाइन। तो आप डिजाइन बना लीजिएगा खुद से, यहां पर डिजाइन ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये डिजाइन है और यहाँ पे ब्लैंक्स है, मतलब एक ऐसा डब्बा है, डब्बा डब्बा करके है। ठीक है, ये डिजाइन है और इसका नाम है भाई ABC। यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या भी होगा, आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या को हम O बोल सकते हैं, है ना, सॉरी वृत्त का केंद्र को O बोल सकते हैं। इस तरह का डिजाइन है, यहाँ हमको त्रिज्या R का वैल्यू दिया है 32, ठीक है। अगर हम A से लेकर D BC पर एक लंब खींचे जिसको हम लोग D कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि R का वैल्यू 32 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। रचना में हम लोग क्या किए, यहाँ पे AD लंब, AD लंब BC खींचा, ठीक है। तो AD जो है लंब खींचे हम लोग BC पर, और जैसा कि जानते हैं A से लेकर O तक की त्रिज्या हुआ, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 32 दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें खुद से रचना किए हैं AD परपेंडिकुलर BC खींचा, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर खींचा है। अब हमको एक बात यहाँ पे क्लियर कट समझना होगा और आपको जानना चाहिए कि त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, वो केंद्र से 2:1 में विभक्त करता है, ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका माध्यिका को केंद्र जो है 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि जो केंद्र है ना, ये माध्यिका खींचे है ना हम लोग AD, तो इसका जो अनुपात अर्थार्थ लिखेंगे, अर्थार्थ AO अनुपात OD बराबर 2:1, ठीक है।
यानी कि एओ का जो अनुपात होगा ओडी का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ऐसा हम जानते हैं किस त्रिभुज में भाई, समबाहु त्रिभुज में। तो हम इसको इसलिए लिख सकते हैं कि एओ बट्टा ओडी बराबर 2/1। अब एओ का मान तो त्रिज्या ना हुआ, ए से लेकर केंद्र तक ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या का मान दिया है 32/OD बराबर 2/1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2OD, 2 को OD से 2OD, 32 को 1 से 32, इसलिए भाई OD हम निकाल सकते हैं कि OD कितना हुआ, तो 32 में 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 इधर गुना में है, इधर भागा चल जाएगा तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OD निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक OD निकल गया। अतः हम AD निकालने के लिए क्या करेंगे, AD निकालने के लिए भाई A से लेकर D तक के निकालने के लिए लिख सकते हैं ना है कि AO को और OD को जोड़ दीजिए, माने कि 32 और प्लस में 16, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये समझिए कि माध्यिका जो होता है वो माध्यिका क्या होता है, तो भुजा को आधा आधा भाग में बांटता है। और हम यहाँ समबाहु त्रिभुज है, अब हम चित्र में चलते हैं, चित्र में BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC का हाफ, ये जो BC है इसका आधा, और BC जो है किसके बराबर है, AB के, तो AB/2। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ABC, तो AB जो होगा BC के बराबर होगा, BC जो है AC के बराबर होगा, क्योंकि AB जो है BC के बराबर है, BC जो है CA के बराबर है, चाहे AC के बराबर है, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, इसलिए हम BC के जगह पे AB लिख सकते हैं। और BD कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक BD, और ये BD क्या है, तो BC का आधा है, BC/2, और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB। ठीक है, तो चित्र में हम लोग चल रहे हैं कि BD का जगह पे BC/2 लिख सकते हैं। उसके बाद जरा आप बात कर लेते हैं आगे, तो सामने इसको रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप अब अगर अच्छे से देखिएगा, इस तरीके के हमको आ गया। अब आप चलिएगा त्रिभुज ABD में, किस में, त्रिभुज ABD में। अब ABD में आप चलिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें AB बन रहा है, तो यहाँ लिखिएगा कि AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर छोड़ दीजिए, AD स्क्वायर, तो AD का तो मान दिया है ना इधर भाई, AD का तो मान लिख लिए हैं 48, तो यहाँ हो जाएगा 48 का स्क्वायर। और BD का स्क्वायर, तो BD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB/2। अब आप बोलिएगा कि सर BC/2 भी तो लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे आप BC/2 लिखिएगा तो एक जाति का नहीं ना दिखेगा, यहाँ AB स्क्वायर है, इसलिए इसको AB वाला फार्मूला पर बैठाइए, तो AB/2 का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा होगा, AB का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस AB/4, क्योंकि AB का स्क्वायर AB/2, 2 का स्क्वायर 4। अब AB/2 एक जात का है, इसीलिए हम BD के जगह पे AB वाला रखे थे, और AB/2 इधर आएगा तो क्या हो गया, AB/2 माइनस में AB/4, यहाँ कुछ नहीं है बटा में, तो एक लिख लीजिए, इधर 48 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 4 और 1 का LCM 4, तो यहाँ हो गया 4AB² माइनस AB² बराबर में 48 का स्क्वायर, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3AB² बट्टे में 4 बराबर 48 स्क्वायर। इसलिए AB² का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो ये 3/4 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, पलट जाता है, जो भागा में रहता है वो गुना हो जाता है, और जो गुना रहता है वो भागा हो जाता है। तो कुल मिलाकर अभी तक के हमको ये मिला, यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब आप निकालिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज
क्षेत्रफल का फार्मूला कौन सी होता है, रूट थ्री बाई फोर गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए रूट थ्री बाई फोर गुने भुजा, कोई भी भुजा ले सकते हैं, त्रिभुज का तीन भुजा है ना यहाँ पे, ए बी बी सी ए सी, तो तीनों में से कोई ले सकते हैं, तो भुजा हम ले लिए ए बी, तो यहाँ लिख दिए ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ रूट थ्री बाई फोर गुने ये ए बी का स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ पे निकाल चुके हैं भाई, कितना निकाल चुके हैं ए बी का स्क्वायर के जगह पे, 48 का स्क्वायर, यानी कि 48 गुने 48 गुने 4 बटा में 3, अभी 4 से 4 खत्म। ठीक है, अभी रूट थ्री है, अभी 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ कट जाएगा, यानी कि 3 से कितना बार में कटेगा, 1 16, तो 48 को 16 से गुना कर दीजिएगा जितना आएगा, और रूट थ्री का रूट थ्री छोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी समझ रहे हैं आपको क्या करना है, यहाँ से 3 से 16 बार में कट गया, तो 48 को आप 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है, जितना आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए गोला के जगह पे, और रूट थ्री को रूट थ्री छोड़ दीजिएगा, उतना ही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये तो आपको समबाहु त्रिभुज का ना निकला, अब आप बताइए हमको तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो डिजाइन तो गोले गोले है, तो पूरा वृत्त का निकाल के, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, और ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल जो निकाले हैं हम लोग, इसको अगर घटा लेते हैं तो डिजाइन वाला नहीं बच जाएगा चारों तरफ, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, अब डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और त्रिभुज ए बी सी कहाँ वाला, तो भाई यहाँ वाला, यहाँ वाला जितना आएगा आप गुना करके, रूट थ्री वाला को ना रूट थ्री ही छोड़ दीजिएगा वैसे ही, ठीक है, क्योंकि रूट थ्री वाले में ही आंसर दिया है, तो इसको आप जितना आएगा उसको कर लीजिएगा, और पाई के जगह पे कितना रखना है भाई, तो 22 बटा में 7, और आर कितना लेना है, वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस में वैसा ही छोड़ दीजिएगा, और इसका आंसर फिर आप मिला लीजिएगा कि कितना आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अगर यू बोले तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो कितना भी बड़ा से बड़ा मुकाम या फिर लक्ष्य आसान बनाया जा सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ को बार बार, कि अगर ऐसे सवाल में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से निकालें, यहाँ पे आपको एक लंब खींचना है, लंब खींचने के बाद माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो पहले इससे ओडी निकाल लिए, और ओडी निकाले का है भाई, क्योंकि हमको पूरा एडी पता चल जाएगा, अभी हमको खाली त्रिज्या ना पता था 32, ओडी निकाल लिए, तो यहाँ से अब एडी निकाल लीजिए दोनों के जोड़ के, अब जब एडी निकल गया तब आप इससे अब कोई एक गो ट्रायंगल में चलकर एबीडी में चलकर एबी निकाल लीजिए, एबी का स्क्वायर, तो जब भुजा स्क्वायर निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको इसलिए हम सबसे पहले निकाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना था, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज वाला को माइनस कर लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाले हैं। तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पढ़ते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, आकृति 12.25, देखो ये आकृति है, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ए बी सी डी केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। भाई आप देखो यहाँ से ना हमको 4 तरह का वृत्त है, एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त ये हुआ, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा ये वृत्त हुआ और ये वृत्त हुआ, ठीक है, और चारों का केंद्र हमको दिया है, इसका केंद्र ए, इसका केंद्र बी, इसका केंद्र जो है सी है, इसका केंद्र डी है, और चारों जो है ऐसे एक वर्ग बनाता है, ठीक है, और यहाँ बीच वाला कलरफुल है, ये वाला कलरफुल है, ये रंगा हुआ है, तो इसका त्रिभुज
डिजाइन यानी कि छायांकित भाग इसको बोलेंगे, डिजाइन नहीं बोलेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इसका ए बी सी डी का भुजा हमको दिया है 14। भाई मेरे 14 का मतलब ए से लेकर बी तक के 14 है, ठीक है। तो सबका त्रिज्या कितना हुआ, 7 होगा, क्योंकि पूरा ना हो गया हम लोगों का 14, तो इसका आधा कर लेंगे तो हम लोगों का 7 हो गया त्रिज्या, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग का जो भुजा दिया है हम लोगों का वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वृत्त का बात करें कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो उसका आधा होगा, क्योंकि इसका बीचों बीच में नहीं टच कर रहा है दोनों वृत्त, इसलिए 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। और ये वर्ग है, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री का। तो आप समझो कि ये जो छायांकित भाग है इसका कैसे निकालेंगे, तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से चार गो ये दिख रहा है ना त्रिज्यखंड, एक तरह का त्रिज्यखंड है ना बन रहा है, कई गो त्रिज्यखंड को घटाना पड़ेगा, तो एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, तो पूरा हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चार गो क्यों, क्योंकि एक गो नहीं त्रिज्यखंड है, चारों कोना पर देखिएगा तो एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुने, ये चारों के निकाल रहे हैं, चारों को घटा देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है वर्ग का 14, तो 14 के स्क्वायर करेंगे माइनस, अभी 4 गुने थीटा कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण याद रखिएगा 90 डिग्री, तो थीटा हम लोगों को कितना हो जाएगा 90/360 गुने पाई का मान 22/7, क्योंकि जहां बोलता है वहां ना 3.14 रखते हैं, और आर स्क्वायर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना लेना है 7 का स्क्वायर। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ई वाला में से इसको घटा देना है सॉल्यूशन करके, और जो आएगा वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के अभी हम लोग डिस्कस किए हैं मैथमेटिक्स में, फिर हम लोग दोस्त अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8-9 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।